हेलो एवरीवन, आज फिर देखते हैं ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस। लेता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ length of corresponding side of smaller triangle। ये find out करना है। तो ये question के मैंने answer देखते हैं इसको। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो टू सिमिलर ट्रायंगल हम ले लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल लेते हैं डीएफ, राइट। तो इनका क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है? सिमिलर ट्रायंगल एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20। तो हमारे पास इसमें क्या है, लार्जर हमारे पास कौन सा है, ए बी सी, और स्मॉलर कौन सा है, डी एफ। तो अब इसमें एरिया लार्जर कौन सा, 100। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल TEF इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। सपोज कर लिया ये लार्जर ट्रायंगल ABC था, इसकी एक साइड BC है और ये क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और इसी के करिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, EF है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, तो ई एफ हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ए बी सी एंड डी एफ लिख लेंगे, लेट ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, राइट। इसमें हमारा जो बिगर ट्रायंगल है वो ए बी सी एंड स्मॉलर ट्रायंगल क्या, डी एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और ये बिगर लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल कह रहा है लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ए बी सी है, इसके करस्पॉन्डिंग ई एफ। तो इसमें लगाते हैं फार्मूला, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, 100, तो ये क्या है 36, बी सी क्या दिया मैंने 20 का स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर,
अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 9 36 4 25 अपॉन 9 इजकल टू 400 अपॉन ई एफ स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई एफ स्क्वायर इजकल टू 400 इंटू 9 अपॉन 25। अब क्या आ गया, ई एफ स्क्वायर, ई एफ इजकल टू 20 इंटू 3 अपॉन 5, रूट ले लिया, ई एफ इजकल टू आ गया 4 5 से 4 को ये क्या वैल्यू आ गई, 12, तो ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए, एबीसी स्मॉलर है और लार्जर है डीईएफ। और इनका रेशियो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये गिवन है हमको 2:3। और गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इजकल टू गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सॉरी, इसमें गिवन है हमको बीसी इजकल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड ई एफ, ई एफ फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ गिवन है, और इसमें क्या दिया है, बीसी गिवन है। तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इजकल टू क्या फाइंड, बीसी गिवन है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हुआ ईएफ, तो क्या लिखेंगे इसमें, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। ये रेशियो क्या 2:3 है, बीसी क्या गिवन है 4 स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर 2/3 इजकल टू ये क्या हो गया 16 ई एफ स्क्वायर। क्रॉस 2 से 16 को कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई एफ स्क्वायर इजकल टू 24, देयर फोर ई एफ इजकल टू √24। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।